हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज क्लास फर्स्ट इंग्लिश का लेसन सेकेंड सिखाऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेसन वन बताया था। लेसन सेकेंड की पहले हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे, वो आपको नोटबुक में करनी है। लेसन सेकेंड, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही। देखिए, राजू द एलिफेंट वॉज डेली टेकन टू द रिवर फॉर अ बाथ। राजू है इसमें एक हाथी का नाम है। एक हाथी था, वो डेली नहाने के लिए नदी पर जाता था। ऑन हिज वे टू द रिवर, अपने रास्ते में, नदी के रास्ते में, राजू पास थ्रू द बाजार, बाजार से गुजरता था। दीपू द टेलर, इसमें टेलर है, दर्जी दीपू है उसका नाम। हैड अ शॉप इन द बाजार, बाजार में उसकी दुकान थी। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए रंग बिरंगे पैंट शर्ट बनाया करता था। दीपू लाइक्ड राजू वेरी मच, दीपू राजू को बहुत पसंद करता था। ही वेटेड फॉर हिम टू कम एट द फिक्स टाइम, वो उसके लिए रोज़ इंतज़ार करता था। उसका आने का एक टाइम फिक्स था, तो उस टाइम पर वो इंतज़ार करता था। ही गेव हिम बनानास एंड अदर फ्रूट्स एंड ब्रेड, वो उसको खाने के लिए केला, फल और ब्रेड देता था। दे बिकेम फ्रेंडली विद ईच अदर, वो एक दूसरे के मित्र बन गए थे। राजू यूज्ड टू पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप, वो राजू अपनी सूंड को दुकान के अंदर ले जाता था। दीपू ऑलवेज गेव हिम समथिंग टू ईट, दीपू जो दर्जी था वो उसको रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था, हमेशा कुछ ना कुछ देता था। वन डे दीपू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक, एक दिन दीपू को एक चाल सूझी, उसने चाल खेलने की सोची। वैन राजू केम ही डिड नॉट वेलकम हिम, जब राजू आया तो उसने उससे कोई बात नहीं की, उसका कोई स्वागत नहीं किया, उससे कोई कुछ नहीं बोला। ही डिड नॉट गिव राजू एनीथिंग टू ईच, उसने राजू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। वैन राजू पुट हिज ट्रंक इनसाइड द शॉप, जब राजू ने अपने सूट दुकान के अंदर डाली। दीपू टुक आउट हिज निडल एंड प्रिक्ड राजू ट्रंक, निडल सुई होती है, प्रिक्ड उसको चुबो दिया। दीपू ने क्या किया, उसकी सूंड में सुई चुबो दी। राजू क्राइड, राजू चिल्लाया, एंड रैन अवे इन पेन, वो दर्द से भाग गया। टू डेज लेटर, दो दिन बाद राजू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, राजू नदी पे आया और अपनी सूंड में पानी भर लिया। ही रीच्ड दीपू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर, वह दीपू की दुकान पे पहुंचा और उसने दुकान में पानी फेंक दिया। ऑल द न्यू क्लॉथ्स इन द शॉप बिकेम वेट, दुकान के सारे नए कपड़े गीले हो गए। राजू शूक हिज ट्रंक एंड सैड एंड एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, राजू ने अपनी सूंड हिलाई और बोला कि एक हाथी कभी भी नहीं भूलता। दीपू सैड, दीपू ने बोला आई एम सॉरी राजू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, राजू मुझे माफ़ करना, हम दोनों दोबारा दोस्त बनते हैं। अब इसकी बुक एक्सरसाइज देखिए। पहले वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। वे, वे होता है रास्ता, रिवर नदी, टेलर दर्जी, फ्रेंडली मित्रतापूर्वक या मैत्रीपूर्ण, ट्रंक सूंड, ट्रिक चाल, वेलकम स्वागत, निडल सुई, प्रिक्ड चुबो दी। देखिए कैसे लिखने हैं ये, आपने अपनी फेयर नोटबुक में इंग्लिश में लिखने हैं ये। उसके बाद आपके यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, आपने टिक करना है। दीपू वाजा, दीपू क्या था, दीपू डॉक्टर था, पोस्टमैन था, टेलर था, टेलर था, तो टेलर पे टिक करना है। दीपू गेव हिम डैश एंड अदर फ्रूट्स एंड ब्रेड, दीपू गेव हिम बनानास, बनानास पे करना है। राजू वाज एन एलिफेंट, इसमें एलिफेंट पे टिक करना है, एलिफेंट का नाम था ना, तो राजू किसका नाम था, एलिफेंट का, तो एलिफेंट पे टिक करना है आपको। नेक्स्ट आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। राजू पास थ्रू द, ये बॉक्स दे रखा, बॉक्स में देखो इनके आंसर्स हैं, इनमें से सिलेक्ट करके लिखना है, बाजार आएगा। सेकंड में दीपू मेड डैश पैंट्स एंड डैश फॉर चिल्ड्रन, इसमें कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स, पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन। दीपू लाइक डैश वेरी मच, दीपू लाइक्ड राजू, यहाँ राजू आएगा, राजू वेरी मच।
Raju used to put his dash inside the shop. यहाँ पे ट्रंक आएगा. फिफ्थ में all the new dash in the shop became wet. Cloths. इसमें क्लॉथ फिल कर लेना. नेक्स्ट आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन. अब आपने बताना कि इसमें सॉरी टिक द टिक और क्रॉस लगाने, मतलब जो ठीक है उस पर सही और जो गलत है उस पर रॉन्ग क्रॉस. तो देखिए कैसे करना है. दीपू द डॉक्टर हैड अ क्लिनिक इन बाजार. क्या दीपू डॉक्टर था? रॉन्ग. दीपू डिड नॉट लाइक राजू. रॉन्ग. राजू ऑलवेज गिव दीपू समथिंग टू ईट. क्या राजू दीपू कुछ खाने के लिए देता था? नो. दीपू राजू को देता था. इसमें भी रॉन्ग आएगा. फोर्थ देखिए. एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स. राइट. राजू एंड दीपू बिकेम फ्रेंड्स अगेन. राइट. अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं. फर्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ एलिफेंट. तो इसका एलिफेंट का नेम क्या था? राजू. सेकंड है वेयर डिड द राजू गो फॉर द बाथ. वो कहाँ पर जाता था? टू द रिवर. नहाने के लिए नदी पर जाता था. व्हाट ट्रिक डिड दीपू प्ले ऑन राजू. उसने क्या चाल चली? दीपू प्रिक्ड राजूस ट्रंक. उसने चुबो दी ना, सुई चुबो दी थी ना उसके राजू के ट्रंक में. व्हाट डिड द राजू डू टू टेक रिवेंज. रिवेंज होता है बदला. बदला लेने के लिए राजू ने क्या किया? राजू थ्रू वाटर इन दीपूज शॉप. दीपू की दुकान में उसने पानी फेंक दिया. थैंक यू वेरी मच.